तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एमएस एक्सेस के बारे में हम क्यूरी चैप्टर को पढ़ेंगे आपके साथ कि क्यूरी का इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों होता है। बेसिकली हमने टेबल के बारे में पढ़ा, हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्यूरी के बारे में। क्यूरी एक कह सकते हैं कि डेटा को फिल्टर माने कि फिल्ट्रेशन या डेटा को एक सिलेक्टेड डेटा को शो करने का पार्ट होता है, समझे? कि एक सिलेक्टेड डेटा को हम कैसे शो करेंगे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्यूरी को। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आपके एक्सेस के अंदर में आपके पास जो टेबल जो फिल्टर काम करता है एक्सेल के अंदर में वही काम आपका मैं एक डेटा वाला टेबल खोज डेटाबेस खोज रहा हूँ जिसमें डेटा होगा ताकि क्यूरी आपको समझा सकूं। नहीं है, चलिए मैं नया डेटाबेस लेता हूँ उसमें क्रिएट कर। तो सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं किसी अलग एक्सटर्नल टूल से। तो डेटाबेस इसमें नहीं एक्सटर्नल डेटा, इसमें आपके पास न्यू सोर्स फ्रॉम फाइल और यहाँ पे हमने एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट, फिर हम ब्राउज पे जा रहे हैं और आपने डेटा को सिलेक्ट किया और इसको न्यू सोर्स चाहिए तो न्यू सोर्स चाहिए, मतलब कि लिंक नहीं चाहिए, न्यू चाहिए। फर्स्ट रो हमारा हेडिंग है, राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, और सेव इंपोर्ट स्टेप कर देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम इंपोर्ट इजीली हो जाए। तो मेरे पास सी वन नाम का एक डेटा टेबल है, राइट। अब ये हो सकता है कि हजारों में हो, लाखों में हो, लेकिन मेरे पास एक डेटा टेबल। अब जैसे कि आपको अगर बात करें फिल्टर की, तो आप जैसे कि आपको मैंने बोला कि मैं यहां से क्वार्टर वन सेलेक्ट करूंगा और हमारे पास क्वार्टर वन का डेटा सिर्फ शो करेगा, और भी बहुत सारे फॉर्मेट फिल्टर होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इसके यूज के लिए आपको पूरा डेटा का एक्सेस देना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं सर? दूसरी चीज, अब मान लीजिए कि हर किसी को फिल्टर लगाना आना चाहिए, हमें एक शॉर्ट बटन टाइप नहीं चाहिए कि मैं उसको इजीली रन कर। इसे बोल कीजिएगा सर, इजीली रन कर लू क्या सर? तो इसी चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्यूरी। तो चलिए हम क्यूरी के बारे में जानते हैं। क्रिएट में जैसे कि हमने आपको टेबल के बारे में बताया था, ऐसे हमारे पास क्यूरी के बारे में, और जैसे हमने फॉर्म के बारे में सीखा था, एक फॉर्म था क्रिएट करते हैं आपके डेटा से ऑटोमेटिकली बना बनाया फॉर्म दे देता है, ठीक है? उसी तरीके से आपके पास क्यूरी के अंदर में भी हमारे पास क्यूरी विजार्ड होता है जिसमें बना बनाया कई तरह की क्यूरी है। तो चलिए आज हम क्यूरी विजार्ड के ही क्यूरी को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूरी विजार्ड का, इसको सिलेक्ट किया एंड ओके। अब मुझे इसमें से डेटा कौन कौन किस सीट का मतलब किस टेबल का डेटा क्या क्या चाहिए, आपको पूरा चाहिए तो पूरा यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे इसमें आईडी नहीं चाहिए तो मैं यहां से आईडी हटा सकता हूं। फिर नेक्स्ट डिटेल्स, नेक्स्ट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्यूरी है किसके लिए है? एक क्यूरी है कि आपके डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसमें से आपको पूरा नहीं चाहिए, एमआरपी नहीं चाहिए,
मुझे सब कैटेगरी नहीं चाहिए, तो कुछ सिलेक्टेड कॉलन ही चाहिए, तो सिलेक्टेड कॉलन को के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और हमने इसको फिनिश कर दिया। अभी क्या होगा कि कोई भी पर्सन आएगा और इस पे डबल क्लिक करेगा तो उसका डेटा मिलेगा। इस डेटा में वो सिलेक्टेड कॉलन नहीं है, जैसे कि आपके पास आईडी नहीं है, जैसे यहाँ पे कैटेगरी है बट सब कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे एमआरपी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर क्रिएट इसमें क्वेरी विजार्ड में जाता हूँ, सिंपल क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं इसको मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर, और मैं यहाँ पे एमआरपी, नहीं एमआरपी नहीं, अमाउंट को लेता हूँ। फिर नेक्स्ट मैं इसको समरी पे क्लिक कर दिया। समरी पे क्लिक करने के बाद ये आपको समरी ऑप्शन खोजेगा कि सम चाहिए, जी हाँ सम चाहिए, अमाउंट का सम चाहिए, राइट। और भी नेक्स्ट एंड फिनिश। अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए इसमें क्या है कि क्यूरी, पहले वाली क्यूरी में हमारे पास डेटा पूरा डिटेल्स में आया हुआ, इसमें डेटा डिटेल्स में आया हो, यहाँ पे इसने समरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। जी हेलो, जी सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ आ रही है, अब इसने समरी क्रिएट। जी तो ये बने बनाए टूल्स है जिसका इस्तेमाल कर सकते। अच्छा तो क्यूरी विज़ार्ड में सिंपल क्यूरी के यूज क्यों करते हैं, कि आपके जी टेबल में से कुछ सिलेक्टेड फील्ड को ही शो करना चाहते हो, जी ठीक है ना। उसके जी बाद इसमें से मतलब कि समरी करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वैसे इसका क्या, इसका यूज क्या है, जैसे कि जी मुझे यहाँ की क्यूरी विज़ार्ड है, मैं इसी पे रिपोर्ट जो है बना देता हूँ, बना दिया। जी अब यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स मैनेजर वाइज सेल्स, ठीक है। जी और भी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो कर दूंगा, सम ऑफ अमाउंट सेल्स मैनेजर्स, पेज नंबर आएंगे, यहाँ पे डेट आएगा, टाइम आएगा, यहाँ पे लोगो देना चाहते हैं लोगो आएगा, और भी कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं पिक्चर वगैरह और कुछ भी, तो यहाँ ऊपर ऑप्शंस है। जी तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब रिपोर्ट्स को हमने सेव कर दिया। जी अब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा रिपोर्ट इस तरह से दिखेगा। अब ठीक इस है सर, रिपोर्ट को मैं चाहूं तो मैं टू एक्सपोर्ट है ना मोर वर्ड में या पीडीएफ में कर सकता हूं, या एक्सेल में भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं। अब सेव स्टेप कर दूंगा तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे सेव पे जाना है और इसी को रन कर लेना है। अच्छा तो आप देखोगे कि माय डॉक्यूमेंट में वो वर्ड फाइल सॉरी है। सेल्स क्या तो डाउनलोड है, माफ कीजिएगा, हमें डॉक्यूमेंट पे जाना है। जी ये रहा ना सीट। देखो करें। देखा, एक रिपोर्ट हाँ डॉक्यूमेंट आ गया। तो जी इसको इजीली पीडीएफ में करना चाहो तो आप इसको पीडीएफ में भी, पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट हाँ कर सकते हो। और इसमें और भी बहुत सारी ठीक है सर सेटिंग्स हैं, तो इसमें समझाया आपको। जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं अगर टेबल पे, अगर पूरी की पूरी टेबल पे अगर बनाता तो पूरा देना पड़ता ना मुझे रिपोर्ट्स, क्या बोल रहे हैं जी कि मैं अगर जी क्रिएट में यहाँ पे रिपोर्ट करता तो पूरा का पूरा फील्ड यहाँ जी पे, क्या सर। हाँ सर समझ रहा हूँ। तो इसलिए हम क्यूरी बना लिए हैं ताकि क्यूरी की रिपोर्ट जो बनेगा या एक्सपोर्ट हो गया या शो होगा या आगे किसी कनेक्टिविटी होगी तो हम टेबल के साथ नहीं, हम क्यूरी के साथ करेंगे। सर मान लीजिए अभी मैं टेबल में कुछ अपडेट किया, अभी तो तो क्यूरी क्वेरी में अपडेट होगा ऑटोमेटिकली अपडेट और हो जाए वो भी अपडेट हो जाएगा साथ साथ। जैसे ऑटोमेटिकली। मान हाँ लीजिए कि एक जी नया सेल्स मैनेजर ऐड कर दिया,
उदय, यहाँ उदय है ना, मैं उदय स्क्रीन कर देता हूँ, मान लीजिए चलिए। ठीक है, सेव कर दिया और मैं इसको जी सेव करके क्लोज किया। अब देखिए रिपोर्ट्स में देखिए उदय एंड उदय सिंह, उदय सिंह। ओके, अच्छा, ओके, ऑटोमेटिकल समझ गए? अपडेट हो रहा है। हाँ, तो सिंपल क्वेरी समझ में आ गया। जी सर। अब क्वेरी विजार्ड में सिंपल क्वेरी, सिंपल क्वेरी में दो पार्ट देखा आपने, एक तो हुआ कि पूरा डिटेल चाहिए, जैसे कि आप पूरा कर लेते हो डिटेल चाहिए, एक आपका है कि समरी चाहिए। बट समरी बनाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूरा डेटा अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो दिक्कत होगा समरी में। जैसे अमाउंट हमने यहाँ डाल दिया, अमाउंट का सम चाहिए, तो सम चाहिए, सम भी चाहिए, एवरेज भी चाहिए, मिनिमम भी चाहिए, मैक्सिमम चालू कर सकता हूँ, एंड ओके कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश। अब देखिए कि इसमें आपका जो क्यूरी बना हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है? जी, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? और नहीं सर, क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि हमने पूरा डेटा ले लिया। ऐसे भी नॉर्मली तो नहीं आएगा ना सर, नॉर्मली अगर एक्सेल में भी कैलकुलेट करेंगे तो। हाँ, क्योंकि समरी जब आप करते हो तो उसमें मतलब कि जैसे कि ऐसा फील्ड होगा जो कि रिपीटेड होगा, उसको एक बार करना चाहते हो तब समरी क्रिएट किया जाता है। जी, तो सिंपल क्वेरी का मोटिव्स यूज और उसकी जो बारे है, अब सिंपल क्वेरी विजार्ड में आप कंडीशन में लगा सकते हो, जैसे कि मुझे इसमें सिर्फ पार्ट वन ही चाहिए, ऐसी कंडीशन सिंपल क्वेरी विजार्ड में आप नहीं दे सकते। अब यहां पे बात करते हैं क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, ठीक है? क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड में हुआ कि मुझे यहाँ पे समरी, अभी जो हमने मान लीजिए समरी जो बनाया था उसमें क्या था कि वन में समरी था कि एक सिर्फ एक यहाँ पे थे, क्या बोलते हैं, सेल्स मैनेजर यहाँ पे। हम चाहते हैं सेल्स मैनेजर को क्वार्टरली रिपोर्ट्स निकालना, ठीक है? तो मैं टेबल और शीट, यहाँ टेबल और क्यूरी यहां सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो टेबल मैंने सिलेक्ट किया शीट वन। नेक्स्ट मैंने बोला कि अभी बोला है कि आपके इसमें रो में क्या आएगा, तो हमने सेल्स मैनेजर को ऐड कर लिया, सेल्स मैनेजर आ गया। अब नेक्स्ट कीजिए, अब बोलता है कि आपके हेडिंग में क्या आएगा, तो मैंने बोला कि मेरा क्वार्टर आएगा, क्वार्टर वन टू थ्री आ गया। नेक्स्ट अब बोला है कि इसके नीचे टोटल किसका करना है, तो हमने बोला कि टोटल हमारा करना है अमाउंट। अच्छा, ठीक है, इसमें एक ही ले सकते, एक से ज्यादा नहीं ले सकते। मुझे इसमें क्या करना है, सम करना, सम करना है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड सर, समझ गए। फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। व्यू और मॉडिफाई में सर क्या डिफरेंस है? व्यू और मॉडिफाई में डिफरेंस ये है, जैसे कि अभी अभी आप डेटा को व्यू कर रहे हो ना, अब मैं इसी को डिजाइन व्यू मतलब कि मॉडिफाई व्यू में अगर यू खोला तो इसकी चेंजिंग, समझ में आया? नहीं सर। इसी को अगर मैं डिजाइन व्यू में खोलूंगा तो पूरा क्यूडी का सिस्टम है, जैसे नहीं समझे? अभी जैसे मैंने मान लीजिए ना कि मैंने ये रिपोर्ट जो बनाई थी, ये बनाया ये रिपोर्ट बनाई थी, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ क्वार्टरली रिपोर्ट आए, तो मैं इसी को इसी के डिजाइन व्यू में खोलूंगा, मैं मॉडिफाई व्यू में खोलूंगा और यहाँ पे क्राइटेरिया डाल दूंगा क्वार्टर वन। अच्छा, डाल दिया ना? अच्छा, ओके, अब इसमें कंडीशन ऐड हो गया, अब ये सिर्फ क्वार्टर वन का ही दिखाएगा। अच्छा, ओके, इसी में आगे बताऊंगा आपको, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूरी विजार्ड में आपने सिंपल क्वेरी जो है, हाँ, क्यूरी विजार्ड में आपने क्रॉस टैग क्यूरी को समझ ले। अब बात करते हैं फाइन डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड, ठीक है? ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने लिया और मैं इसको टेबल में नेक्स्ट जाता हूँ और मुझे इसमें से सीरियल नंबर सेल्स मैनेजर चाहिए, सेल्स मैनेजर एंड सेल्स पर्सन, और फिर मैं नेक्स्ट। अब इसमें हो गया, अब डुप्लीकेट किसके अकॉर्डिंग देखना है, डुप्लीकेट जो है आपका किसके अकॉर्डिंग देखना है?
मैं यहाँ से आंसर ओके। एडिशनल फील्ड क्यूरी इसके अलावा कुछ चाहिए तो मैंने बोला कि मुझे क्वांटिटी चाहिए। नेक्स्ट एंड फिनिश। देख रहे दिखा आपको सर शॉर्टेड हो गया। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू इसमें यूनिक नहीं आया इसमें। अब मैं इसको जो है हमारा क्यूरी है अच्छा ओके ओके समझ गया ना। अब इसमें मैंने डुप्लीकेट फाइनल डुप्लीकेट शीट के डिजाइन व्यू में जाता हूं और मैं यहां से क्वांटिटी को हटा देता हूं और यहां पे देखिए, यहां पे देखा स्क्वायर क्यूरी लगा हुआ है। ठीक है ना। जितने डुप्लीकेट होंगे वो आएंगे लेकिन इसका खास यूज नहीं। अब देखिएगा अपने तरफ से। उसके बाद इसमें हमारे पास क्यूरी विज़ार्ड में अगला क्यूरी आता है फाइन अनमैच क्यूरी। मतलब आपके पास दो टेबल है समझे, ठीक है जी। दोनों टेबल के बीच में आप ये ढूंढना चाहते हैं कि उसमें से कौन सा डेटा अनमैच्ड। अच्छा समझे जी। एक कर लोगे या करके दिखाओ। नहीं ठीक है इसको मैं देख लूंगा, मैं ट्राई कर लूंगा, नहीं होगा तो आपको बताऊंगा। तो सिंपल क्यूरी विज़ार्ड आपने सिंपल क्यूरी विज़ार्ड को देखा, आपने क्रॉस टाइप क्यूरी विज़ार्ड ट्रस्ट है। आपने फाइन डुप्लीकेट को देखा और आपने अनमैच के बारे में जाना कि अनमैच क्या करता है कि आपके पास अगर दो टेबल्स हैं तो दोनों टेबल से मान लीजिए कि आप ये देखना चाहते हैं कि आईडी मान लीजिए एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय डिटेल्स है, आपको ये चेक करना है कि कौन से मान लीजिए कि आपके पास अटेंडेंस शीट में एम्प्लॉय का नाम है, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस शीट और सैलरी स्लिप दो है समझ गया। तो आप ये चेक करना चाहते हो कि किस में किस मतलब कि एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट में है और सैलरी शीट में नहीं है, निकालो। दूसरा टेबल बनाना चाहते हो दूसरा कि सैलरी शीट में कौन सा एम्प्लॉय कोड है जो कि अटेंडेंस शीट में ना हो, ताकि पता हो चले कि बिना अटेंडेंस की सैलरी बनी कैसे, अटेंडेंस है तो सैलरी क्यों नहीं है। ठीक है सर ठीक है ना। तो इनको इस्तेमाल अब कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज आपने वो स्टडी किया था फॉर्म के इसके बारे में प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी सर डेट वाला जो है मैं पूरा देखा हूँ और सर ये जो प्रॉपर्टी सीट जो है ना उसका जैसे फॉर्म का पूरा प्रॉपर्टी सीट है उसको मैंने पूरा देखा हूँ पूरा उसको कंप्लीट। कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आओ जो मुझसे पूछना चाहते हो। प्रॉपर्टी सीट में तो मेरा कुछ मतलब डाउट नहीं है बट इसमें डेट थोड़ा डेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। डेट ओनली मैं देखा हूँ जो फंक्शन का फंक्शन जो है ना आपने लिखा है। क्या बोले सर आपने कहीं पे प्रॉब्लम्स राइट किए हैं? नहीं सर डेट जो है ना फंक्शन का जो डेट है उसमें मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं था और प्रॉपर्टी सीट पर क्या बोले सर डेट फंक्शनल प्रॉब्लम है। नहीं कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सर नहीं है प्रॉब्लम डेज तो कैलकुलेशन करना था। हाँ क्योंकि ओनली मैं डे डेट का ही देखा हूँ फंक्शंस में और ये सर जो प्रॉपर्टी सीट है उसको मैंने पूरा गो थ्रू किया हूँ तो वो समझ में आ रहा है सर। ओके समझ में आ रहा है ना। जी जी क्योंकि आपके क्यूरी में भी फंक्शन लगा सकते हो आप। क्यूरी में आप ये भी कर सकते हो जैसे कि आपके पास क्या है ना कि पहले से ऑलरेडी आपके पास इतने शील्ड हैं, आप इसमें एडिशनल कैलकुलेशन डालना चाहते हो जैसे कि अमाउंट है तो टैक्स निकालना चाहते हो, कमीशन निकालना चाहते हो, फिर कैश टैक्स कमीशन को लेके कॉस्ट निकालना चाहते हो, तो ये सभी कैलकुलेशन आप क्यूरी में कर सकते हो और क्यूरी में सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए। तो इसलिए फॉर्मूला भी जानना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्यूरी विज़ार्ड को इसको कर लें ठीक है। और क्यूरी विज़ार्ड के बाद अगर आप कंडीशनल क्यूरी लगाना चाहते हैं, ये तो क्यूरी वाला जो बने बनाए फॉर्मेट को आपने फॉलो किया, आपके खुद की क्यूरी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिजाइन क्यूरी में जाते हैं। ठीक है सर। डिजाइन क्यूरी में आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, आप टेबल्स भी यूज कर सकते हो, आप क्यूरी पे भी क्यूरी लगा सकते हो जी। ठीक है ना।
लेकिन मैं टेबल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है तो सर। टेबल्स में सीट को हमने यहां पे ऐड कर लिया, तो ये सीट यहां पे ऐड। अब मान लीजिए कि मुझे पूरा चाहिए, तो आप यहां स्टार लिख रहे हो। स्टार, अब एक हाँ एक पे क्लिक स्टार करने की बजाय आप स्टार पे क्लिक, जी राइट। दूसरा, अब जी मुझे यहां पे कंडीशन भी ऐड करना है, तो हमने यहां पे क्वार्टर चाहिए कंडीशन ऐड कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर इसमें प्रॉब्लम एक और होगी, कंडीशन मैं बाद में देता हूँ। प्रॉब्लम यहां भी होगी अगर मैंने सेव कर देता हूँ क्यूरी वन के नाम से। तो इसमें देखिए कि पूरा डेटा आया, लास्ट में आपका क्वार्टर भी आया, आया ना। अच्छा, तो मैं चाहता हूं एक क्वार्टर, लास्ट में जो क्वार्टर आ रहा है एक क्वार्टर ना आए। तो यहां पे देखा शो, शो पे जी क्लिक कर दो। मतलब कि अच्छा आप चाहते हो कि सिर्फ मैं क्राइटेरिया लगाऊं, जी तो भी आप फील्ड को ऐड करोगे, बस यहाँ शो पर्सन क्लिक करो। और क्राइटेरिया में मैंने यहाँ पे क्वार्टर वन लिख दिया, लिख दिया। अब मेरे जी डेटा में सिर्फ क्वार्टर वन ही आया। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर क्वार्टर टू के लिए मैं मान लीजिए चार क्वार्टर है, चारों क्वार्टर के लिए मुझे अलग अलग देना पड़ेगा। तो डू आई टू इनपुट्स, मैं चाहता हूँ कि मैंने कि इनपुट्स हमारा डायनेमिक है अकॉर्डिंग द यूजर। यूजर जब उसको रन करेगा तो क्या उस पर कौन सी क्वार्टर देना है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो उस केस में क्या करेंगे। हेलो जी, हाँ बोलिए। हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, रिमोट शेयरिंग सिस्टम। हाँ उसके लिए आप वेबसाइट iptindia.com पे चले जाए, वहां पर ठीक है। अब जैसे इसको रन करोगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया ना, क्वेश्चन मार्क पूछा, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर दे दिया, क्वार्टर टू दे देता हूँ, क्वार्टर टू, क्वार्टर टू का आया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन मार्क से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं यहाँ पे कुछ अपना होना चाहिए ना। यहां पर लिख सकते हो कि प्लीज एंटर क्वार्टर, और फिर यहां पे ए में क्वेश्चन मार्क, यहां पे इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं इसको सही करूं, समझ गया। अब यहां पे मैं मान लीजिए डाल दिया क्वार्टर थ्री, तो क्वार्टर है ना, क्वार्टर बंद करके वो वापस रीओपन करना। क्वार्टर थ्री हो गया। तो आप जो है एट ए रेट नाइन दे सकते हो अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें आपकी इसकी जो आपका क्यूरी है उसका भी यहाँ देखिए प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट व्यू डेटा शीट होना चाहिए। डेटा शीट के अलावा आप यहाँ पे सी डेटा शीट डिफॉल्ट व्यू होता है, तो अलावा इसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। उसके बाद आउट आउटपुट ऑल फील्ड नो, टॉप वैल्यू ऑल, यूनिक वॉल्यूम नो, यूनिक रिकॉर्ड्स नो। आप करोगे यस तो यूनिक वैल्यू ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सीट वन में मान लीजिए कि हम सिंपल क्वेरी ही बना रहे हैं, राइट। क्वेरी भी ज्यादा सिंपल क्वेरी हमने बनाया, और इसमें मैंने मान लीजिए कि सेल्स मैनेजर का नाम दे दिया। ये इसी हम एक्सेल में अच्छा कर देते, तो यहाँ पे नाम रिपीटेड है, मैं चाहता हूँ कि यूनिक नाम है, समझे। तो क्यूरी विजार्ड इसमें क्यूरी टू है ना, टू में मैं क्या करूंगा कि इसको डिजाइन मोड में प्रिंट करूंगा।
फिर इसकी प्रॉपर्टी सीट पे जाना। या आया, इस पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ओके हाँ यूनिक रिकॉर्ड नो को यस यस कर दिया और इसको भी यस कर दिया और मैंने इसको सेव करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, आ जाता था सेव नहीं हो रहा था। अच्छा यूनिक वैल्यू ना हो हो गया, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, किसी को ही एक को करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया, यूनिक वैल्यू करना है रिकॉर्ड्स नहीं समझ करना। गया। हाँ समझ गया। हाँ वैल्यू समझ रिकॉर्ड गया। को किसका। तो हाँ अभी आप क्या करें, विजार्ड को इस क्यूरी माने कि डिजाइन क्यूरी और क्यूरी विजार्ड को इस्तेमाल करके तकरीबन 10 से 15 क्यूरी को अलग अलग तरीके से बनाएं, ठीक है। फिर मैं ठीक है सर, ठीक है सर। डिजाइन क्यूरी के अंदर में जो कंडीशंस होते हैं सारे कंडीशंस एंड फॉर्मूला हाउ कैन अप्लाई हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, ओके सर। हाँ ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछिए। फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आवाज भी सर मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था।